अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे साल के मुहासबे के ऊपर। देखिए, साल ख़त्म होने वाला है और अगला साल शुरू होना चाहता है। थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट निकाल कर, 30 मिनट निकाल कर कहीं अकेले में सुकून से तन्हाई में बैठ जाइए और उन तमाम नेमतों को गिनिए जो इस साल में आपको रिसीव हुई। आपके पास बेटा या बेटी की विलादत हुई, आपकी शादी हो गई, आपकी जॉब लग गई, आपको कारोबार में तरक्की मिली, आपने कोई नई स्किल सीखी, ये तमाम चीज़ें लिखते चले जाइए। रिश्तेदारों में किसी की शादी हुई, माँ बाप को उम्रे के ऊपर ले गए, कारोबार में कुछ किया, फिर वो तमाम बुराइयों से देखें जिनसे अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। मिसाल के तौर पर आप किसी गलत लत में नहीं पड़ गए, आपने उल्टी सीधी फिल्में नहीं देखी, आप से के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपकी जॉब नहीं चली गई। आप लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए और यकीन जानिए, अगर आप लिखने पे आएंगे तो बहुत आराम से आप 100-150 नेमतें लिख लेंगे और इसी तरीके से 100-150 वो बुराइयाँ लिख लेंगे, मुसीबतें लिख लेंगे जिनसे अल्लाह सुबहानहू व तआला ने आपको बचा के रखा। तो ये 365 भी अगर हो जाए ना, तो इसका मतलब रोज़ की एक नेमत थी जो आप पर बरस रही थी उस खुदा पाक बारी ताला की तरफ से, जिसका हम हर वक्त शिकवा करते रहते हैं। एक मुसीबत सी थी जिससे आप रोज़ बच रहे थे उस अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से, जिसका हम रोज़ शिकवा करते हैं। और उम्मीद है ये आपके लिए बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होगा, आपके अंदर थोड़ी सी इनकसारी और आजजी लेकर आएगा जब हम तमाम नेमतों का शुक्र अदा करेंगे उस मुल्क में, उस शहर में, उस माहौल के अंदर, या बहुत से लोगों की जॉब चली गई, या बहुत से लोगों को बहुत सारे मसाइल दरपेश थे। इस खूबसूरत सी जगह पर आप सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर अपने आसपास मौजूद कुदरत की खूबसूरती को ढूंढना चाहें, उसकी नेमतों को ढूंढना चाहें, तो कोई कमी नहीं है। और आसपास में मौजूद मुश्किलात को सिर्फ देखना चाहें तो आपको लगेगा आपसे ज़्यादा गमगीन इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आइए आज अपने पिछले साल का मुहासबा करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी नेमतें हमें मिली, कौन कौन सी मुश्किलों से हम बचे, और फिर कोशिश करें कि उन नेमतों में से कोई सदका, कोई हिस्सा निकाल के दूसरे का शेयर कर लें। कोई इल्म मिला है तो बांट दीजिए, कोई पैसा मिला है तो किसी और का ख्याल कर लीजिए, सेहत मिली है तो किसी गरीब का ख्याल रख लीजिए, किसी मजदूम की आवाज़ बनकर खड़े हो जाइए। उम्मीद है ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।